जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। जी, आज मेरी कंपोनेंट की क्लास है जी, और देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट का। तो आज हमें रजिस्टर के बारे में और पैरेलल क्या होता है और सीरीज कैसे होता है ये बताया गया, और चेक करने बताया गया। अभी आप कोई सा भी रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं इसके अंदर? जी हाँ। ठीक है, एक रजिस्टर की हाई वैल्यू की वैल्यू चेक करके बताइए आप। ओम सुपर पे डालिए, मल्टीमीटर को सीधा कीजिए। मल्टीमीटर को सीधा कर कीजिए। लगा के रखिए। हाँ ठीक है, वो पकड़ के रखिए, लगा के रखिए वहाँ पे।
क्या वैल्यू है? 10K. 10K का है जी. वेरी गुड. तो आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप जी. हाँ, निकाल सकते. कोई सा भी रजिस्टर आपको दे निकाल सकते हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ. चलिए ठीक है. फर्स्ट डे क्लास किए हुए हैं सर के साथ में. तो आज कंपोनेंट के बारे में हमें बताया गया जी. फर्स्ट में रजिस्टर के बारे में समझाया गया और उसके बारे में बताया गया. दूसरा कैपेसिटर के बारे में बताया गया. कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल भी बताया गया. थर्मिस्टर की भी जानकारी हमें मिली. थर्मिस्टर आप कितनी देर में ढूंढ सकते हैं? 2 मिनट में ढूंढ के. वो कला है आपके पास? ओके. अगर एशिया टेलीकॉम ने बोला था कि आप 3 मिनट 4 मिनट में पूरी पीसीबी में से छान के बता सकते हैं कि थर्मिस्टर कहाँ है, बता सकते. तो आप बता सकते हैं. वो आपको बताना नहीं है यहाँ पर. अब ये बताइए मेरे को कि थोड़ा सा एक सीरीज पैरेलल करके बताइए कोई भी कंपोनेंट का. मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे आप? डायोड में. डायोड. वेरी गुड. डायोड कौन सा रखेंगे? हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुब्रत सरकार. कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ. अगर कोई थर्मिस्टर को ढूंढने में ढूंढ सकते हैं आप? हाँ, किसी भी में से ढूंढ सकते हैं. ढूंढ सकते हैं. अगर मैं बोलूँ कि 10 आप हाई वैल्यू के रजिस्टर बता दो तो बता सकते हैं आप? बता सकते हैं. बता सकते हैं. लो वैल्यू के बता सकते हैं? बता सकते हैं. सीरीज पैरेलल बता सकते हैं? सीरीज पैरेलल बता सकते हैं. कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस. कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में मैक्सिमम आता है ये मालूम है आपको? और कौन सा कंपोनेंट सीरीज में ज़्यादातर आता है ये मालूम है? 90% की बात करें तो ये बताया आपको? हाँ सर. चलिए ठीक है. थैंक यू. मैं आसाम से आया हूँ. आज हमारी कंपोनेंट की क्लास है और मैं मल्टीमीटर इस तरफ कर दीजिए. मल्टीमीटर जरा दिखाइए. एक हाई वैल्यू का रजिस्टर चेक करके बताइए आप. कोई सा भी एक हाई वैल्यू का रजिस्टर. क्या वैल्यू है इसकी? 101K का. 101K. चलिए ठीक है. थैंक यू. नाम जय. आयुष सर, मैं बिहार से आया हूँ. मैं कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ. जो पैरेलल है या अनपैरेलल है? सीरीज में. पैरेलल है या सीरीज है ना? हाँ जी सर. तो आयुष, मैं अगर आपसे पूछूँ कि थर्मिस्टर ढूंढना है आपको 3 मिनट में और आपको पीसी भी दूंगा तो आप ढूंढ सकते बता सकते? हाँ जी सर. वो स्किल है आपके पास? हाँ जी सर. वो नॉलेज है आपके पास? हाँ जी सर. अगर बताइए मेरे को एक हाई वैल्यू रजिस्टर आप ढूंढ के बताइए अपनी पीसी भी में से. ये लो वैल्यू था ना? हाँ जी सर. ये लो वैल्यू था, ये हाई वैल्यू है सर. ओके वेरी गुड. गुड आयुष. वेल बताइए अपना और कहाँ से? यासीन, उड़ीसा से. उड़ीसा से. यासीन, अभी आपके हाथ में पीसीबी है और अभी आप देवसर से क्लास लेके आ रहे हैं कंपोनेंट की और आप प्रैक्टिकल क्लास में बैठे हैं. तो क्या आपको सर की क्लास के बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल जो सर ने क्लास रखी है देवसर ने, तो प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है? पूरा मिल रहा है सर. 100% 100% सर. 100% कोई मेरे को एक हाई वैल्यू का रजिस्टर चेक करके बता सकते हो आप? यस सर. बताइए, थोड़ा इधर आइए. मल्टीमीटर. रजिस्टर पे लगा के चेक करो ना, सीधा रजिस्टर के आगे पीछे लगा के चेक करो ना आप. जैसा आप देख सकते हैं ये वैल्यू निकाल सकते हैं. फंक्शन का पीछे लगना सर. ढूंढ सकते हैं आप. नाम बताइए अपना. जी MD आसिफ. आसिफ कहाँ से हो? जी बिहार से सर. अच्छा, आप कैपेसिटर ढूंढ के बता सकते हो उसके अंदर से? जी सर. सीरीज में है कि पैरेलल में? यस सर. एक बताइए मुझे. मल्टीमीटर कहाँ है? मल्टीमीटर दिखाइए थोड़ा. मल्टीमीटर डायोड मोड में डालिए. उनको करने दो ना, उनको ही करने दो. इसका लाइट चालू करिए. दिख रहा है?
दिख रहा है, हो जाएगा ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है आप चेक करके बताइए। हाँ एक कैपेसिटर चेक करके बताइए। रेट को ग्राउंड करते ना अपन, रेट को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से रखेंगे। हाँ रेट को ग्राउंड कीजिए। रेट को ग्राउंड कीजिए बेटा। ये थोड़ा सा तुम्हारा एग्जामिनेशन है, एक हाई वैल्यू का रजिस्टर चेक करके बताइए हमको। ओम स्मार्ट पे डाल पट्टी में रजिस्टर, एक हाई वैल्यू का रजिस्टर चेक करके बताइए। ये होगा 190 किलो ओम्स, 119 किलो ओम्स का। अच्छा इसके पहले ये नॉलेज था आपको ओम्स का, मेगा ओम्स का? नहीं इतना नॉलेज नहीं था। परफेक्ट नॉलेज था आपको? नहीं। कौन सा रजिस्टर कब इस्तेमाल करना है, कौन सा किसको लंपर करना है, इतना ये नॉलेज था आपको? इतना डीपली नॉलेज नहीं था। डीपली नॉलेज नहीं। अभी क्या नॉलेज है? अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कितनी वैल्यू है। थर्मिस्टर थोड़ा सा टिपिकल वर्ड, टिपिकल काम होता है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट या 3 मिनट बस मैक्सिमम। 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है मैक्सिमम। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बोलिए, आज हमारी कंपोनेंट की क्लास है, कंपोनेंट वन की क्लास है, इसमें हमें रजिस्टर के बारे में बताया गया है। अच्छा तो थोड़ा सा कुछ मेरे को प्रैक्टिकल करके बताइए, जनता देख रही है आपको सर। हाँ आप इतनी दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे जनता देख रही है, एक कुछ प्रैक्टिकल करके बताइए। हाँ, तो सीरीज पैरेलल करके बताइए, क्या रजिस्टर की वैल्यू निकाल के बताइए। कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू, हाई रजिस्टर चेक कीजिए आप। हाई रजिस्टर अभी मल्टीमीटर का लाइट जला दो, जला दो उसे होल्ड करके। एक एक और बार बस जैसे कि आप देख सकते हैं 64 किलोमीटर रजिस्टर करके बता दिया है। चलिए थैंक यू। मेरा नाम जाकिर है, मैं दिल्ली से हूँ, और मुझे आज क्लास दी है कंपोनेंट्स की, रजिस्टर और कैपेसिटर की, जिसके बारे में सारी नॉलेज मुझे मिल चुकी है। कैसे चेक करना है, कौन सा थर्मिस्टर है, कौन सा हाई वैल्यू की, कौन सा लो वैल्यू की रजिस्टर, सब पता है मुझे इस बारे में आज। तो कोई एक छोटा सा हमको वर्क करके बताएं, यहाँ पर हम लाइव वर्क पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और स्टूडेंट के आपसे ज़्यादा विश्वास। हाई वैल्यू और लो वैल्यू की रजिस्टर दिखाता हूँ सर। ठीक है बता दीजिए। ये हाई वैल्यू होगी और लो वैल्यू की दिखा रहा हूँ, ये लो वैल्यू की होगी। चलिए अब चेक कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल सारी चीज़ समझ में आ रहे हैं आपको। चलिए थैंक यू। नाम बताइए सर। मेरा नाम चेतन है, मैं राजस्थान से। चेतन राजस्थान से आप? चेतन ये बताइए मेरे को कि आज आपका कंपोनेंट का क्लास था, कंपोनेंट का क्लास था, तो एक मुझे कोई एक लो वैल्यू का रजिस्टर आप ढूंढ के बताइए, आप बता सकते हैं? ठीक है तो किस तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। मल्टीमीटर कहाँ होगा आपका? मल्टीमीटर लो वैल्यू। हाँ ऊपर से लो ना थोड़ा, इधर आ जाओ। हाई वैल्यू का ये? हाई वैल्यू का जी बता दीजिए। हाई वैल्यू का जी, हाई वैल्यू का वैल्यू बताते जाइए। ये भी हाई वैल्यू का, हाई वैल्यू का ये हम ढूंढ रहे हैं, लो वैल्यू का। ठीक है ये भी हाई वैल्यू है आपका, हाई वैल्यू। थोड़ा दूसरी जगह चेक कीजिए, वो हाई वैल्यू के रेंज में सारे हाई वैल्यू मिलेंगे आपको, दूसरी जगह चेक कीजिए। ये भी हाई वैल्यू है आपका सर, सारे हाई वैल्यू।
तुम्हारे साथ है, थोड़ा नाम बताइए। सर मेरा नाम है सैयद सलमान शाह। सैयद सलमान कहाँ से हो भाई? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो, अभी आप मेरे को एक क्या चेक करके बता रहे हैं आप? हाई वैल्यू रजिस्टर में आपको ढूंढ के दे दूँ। हाई वैल्यू रजिस्टर ढूंढ के दे देंगे आप, तो मल्टीमीटर डालेंगे हम ओम सपोर्ट पे, डालिए ओम सपोर्ट पे जी, है ना, ओम सपोर्ट पे डालेंगे रजिस्टर के दोनों सिरों पे लगाएंगे हम मल्टीमीटर और हम चेक करेंगे। वेरी गुड, क्या वैल्यू है इसकी? 55K 50K जी। चलिए थैंक यू। हमारे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। शमशाद आलम। शमशाद, शमशाद कोई भी एक हाई वैल्यू का रजिस्टर ढूंढ के बता सकते हैं? बिल्कुल सर, ये चैलेंज है आपके लिए। यस सर, बताइए आप ढूंढ के, जनता देख रही है आपको। थोड़ा मल्टीमीटर को फोकस कीजिए, मल्टीमीटर थोड़ा इस साइड कर लीजिए, आप इस साइड कर लीजिए मल्टीमीटर, इधर इधर। सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं 34 किलो ओम्स का रजिस्टर है इनका, हाई वैल्यू का। चलिए, कितनी देर लगी आपको चेक करने में? 5 सेकंड जी सर। ये नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम वैभव चौहान है। मेरा हमारे पापा भी देख रहे हैं, अंकल भी देख रहे हैं, दादा भी देख रहे हैं पहले दिन की क्लास। अब फीडबैक दो, क्या क्या सीखा आज आपने? सर आज हमारी कंपोनेंट वन की क्लास थी जी, तो उसमें सर जो जो भी देव सर ने और सर आपने जो समझाया वो कंपोनेंट सर सारे समझ में आए। सारे समझ में आए जी सर। तो मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को दो हाई वैल्यू के रजिस्टर चेक करके बता दो, तो आप करके बता सकते हैं? जी बिल्कुल सर। याले बोर्ड में बताइए जी। तो मल्टीमीटर कहाँ रखा है आपने? ये रहा सर। हाँ, मल्टीमीटर यहाँ पे रखा हुआ है। मल्टीमीटर का हम लाइट दिखा देते हैं, तो मोड कौन सा? ओम्स मोड है जी सर, ओम्स मोड है। ठीक है, तो ये सब अपन पहले से जानते थे क्या? जी नहीं सर। क्या स्थिति थी जब आप अभी एशिया टेलीकॉम, आज की पहले दिन की क्लास है आपकी, इसके पहले आप क्या करते थे? सर इसके पहले तो सर बस अंदाजन काम होता था, इतना कोई डिटेल में काम नहीं होता था। नहीं तो आप स्टडी करके आ रहे हो कि दुकान से आ रहे हो? स्टडी करता हूँ सर। स्टडी करते हो? फ्रेशर आज, हाँ एक तरीके से फ्रेशर है आप जी सर। तो आज पहले दिन आए और तुमने सारा काम डन करा, आज आपने आईसी रिपोल करा है? जी सर बिल्कुल सर। इसके पहले करते थे आप? नो सर। कितनी बार करा आपने? 5 बार पूरा। 5 बार करा जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, मेरा नाम विशाल पटेल है, मैं गुजरात से हूँ और आज हमारी कंपोनेंट वन की क्लास थी जी सर। देखो हम क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं जनता को, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, हमारे नाम से आ रहा है, बैठ के काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब मैं लाइव करवा रहा हूँ। यस, किसी की ताकत नहीं है सर, ये देखो ये लाइव करवा रहा हूँ मैं, ये पूरा लाइव करवा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है इसके अंदर, कोई भी एडिटिंग नहीं है इसके अंदर, मैं गलत आपको कोई समझा के भी पूछ नहीं रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, एशिया टेलीकॉम पूरा 100% सामने है, ट्रांसपेरेंट है पूरा। तो थोड़ा बताइए विशाल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो हाई वैल्यू का रजिस्टर चेक कर दो, तो आप चेक कर सकते हैं? प्लीज करके बताइए। पहले मल्टीमीटर को ओम्स मोड में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर लो आए, दो लो थे, बताते जाइए। ये भी लो है। ठीक है, ये भी लो है, हम थोड़ा सा लाइट चालू कर देते हैं इसका। ये भी लो है। ठीक है, जगह चेंज कर लीजिए आप। ये भी लो है, शायद आप नेटवर्क से चेक करोगे, नेटवर्क में लो है आपको। ये हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू है 85 की। एक और चेक करके बताते हैं, और कैपेसिटर को बताइए सीरीज में के पैरेलल में, वो भी चेक करके बताते हैं। Thank you.
कैपेसिटर है सर, ये सीरीज में है जी, पैरेलल में सर, ये पैरेलल में है। ये पैरेलल बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से आप? फिरोजाबाद यूपी। तो प्रदीप ये बताइए, पहले दिन की क्लास क्या सीखा आपने? अगर मैं आपसे बोलूं कि लो वैल्यू या हाई वैल्यू के रजिस्टर बता दो, चेक करके तो बता सकते हैं आप? यस सर। सबसे पहले बताइए मल्टीमीटर कहाँ रखना होगा हमको? यस सर, मल्टीमीटर ओम बजट पर रखना पड़ेगा, ओम स्पोर्ट पर रखना पड़ेगा जी, है ना? तो चेक कीजिए, जैसा आप देख सकते हैं। प्रदीप बताइए। यस सर, हाई वैल्यू निकाला सर। हाई वैल्यू, चलो ठीक है। दूसरा और चेक करके बताइए। ये भी हाई वैल्यू, हाई वैल्यू है, ठीक है। चलो जनता को एक और बता दो, जनता भी क्या याद करेगी कि ऐसे टेलीकॉम वाले स्टूडेंट कैसे काम करते हैं, देखना चाह रहे हैं आपको। वेरी गुड, ये भी हाई वैल्यू का है। तो प्रदीप ये सब चीजों का नाम, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा सा अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद दीन है, मैं मुंबई से हूँ जी। मोहम्मद दीन, आज जो भी आपने सीखा है थोड़ा सा बता सकते हैं आप? तो थोड़ा पीसी भी, मैं अगर मैं बोलूं कि लो वैल्यू या हाई वैल्यू का रजिस्टर आप चेक करके बता दीजिए, तो आप चेक कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। बताइए प्लीज, मल्टीमीटर को कहाँ डालेंगे आप? ओम्स मोड पे। ओम्स मोड पे डालेंगे जी सर। आराम से बोलो। ओम्स मोड पे डालेंगे मल्टीमीटर। अभी मैं हाई वैल्यू का रजिस्टर आपको हाँ चलेगा, हाई वैल्यू लो वैल्यू कोई भी होगा चलेगा। लो वैल्यू है, वेरी गुड। ये हाई वैल्यू है, ठीक है, है ना? अगर हम हमारा कंपोनेंट सीरीज में लगाए तो पैरेलल में लगाइए, चेक करके बता सकते हैं हम? यस सर, चेक कर। चलिए ठीक है, थैंक यू। बताइए अपना। मेरा नाम सुरेश पात्रकर। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। अच्छा, सुरेश ये बताइए कि आप कोई कंपोनेंट को चेक करके बता सकते हैं, सीरीज में लगाए कि पैरेलल में लगाए? बता सकते हैं सर। बता सकते। तो मल्टीमीटर कहाँ रखेंगे आप? डायोड मोड पे। डायोड मोड पे। लाल कार्ड को कहाँ रखेंगे? लाल कार्ड को ग्राउंड पे। आप देखते हैं, हम दोनों सिरों पे लगा के देखते हैं, एक कंपोनेंट कोई सा भी, ये रीडिंग आ रही है इधर, हाँ दूसरे साइड 00 आ रही है। तो डेडबिन काय में ही है, पैरेलल में लगा है। चलिए थैंक यू। बताइए जी, बताइए क्या नाम है आपका? माझं नाव अन्ना साहेब आहे। कहाँ से? मी महाराष्ट्रामधून आलो आहे आणि मित्रांनो, आज पहिली क्लास आहे। जेवढं पहिलं नवीन जर विद्यार्थी बघितला माझ्यासारखा, समजा नवीन विद्यार्थी, तर आता हे सगळं समजा डोक्यावरून चाललं आहे, मग आता चाललो आहे, प्रयत्न चालू आहे, काय होते पाहू। आणखी विषय तर चालला आहे परत जाण्याचा, विचार डोक्यात तसा होतो आहे, पण पाहू, आजचा तर पहिला दिवस आहे, बघू आणखीन काय काय नवीन होते, तो ठीक आहे, नंतर भेटू आणखीन। ओके बाय। हाय वैल्यू का रजिस्टर है? हाय वैल्यू का रजिस्टर, हाँ फ्लक्चुएट हो रहा है उसका, ठीक है। एक दूसरा लगा के चेक करें अपन? हाँ सर। हाँ एक दूसरा चेक करते हैं, दूसरी जगह पे चेक करते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट जी। मेरा नाम मुकेश थवाइत है और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। मनोज, आपसे मैं पूछूं कि अभी आप थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं पीसीबी में? जी। है? थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं? हाँ। अगर मैं बोलूं कि एक रजिस्टर की वैल्यू निकाल के बता दो तो बता सकते हैं आप? बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा बताइए। मल्टीमीटर थोड़ा पास नहीं कीजिए, याद तो करते थे इस साइड, मल्टीमीटर सेट कर दीजिए, होल्ड हो गया, बस होल्ड हो गया, अनहोल्ड करो। हाँ ठीक है। लो वैल्यू है, हाई वैल्यू के कोई सा भी चेक करके बता दो। ओके ओके डन, बस यही समझना था हमने, जो आज हमारा टास्क था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यही। लेकिन आज के लिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि फर्स्ट टाइम। मेरा
नाम मनोज है, मैं गुजरात से हूँ जी। मनोज, देव सर के साथ आपकी क्लास कैसा नॉलेज मिला आपको? बहुत बढ़िया नॉलेज मिला सर, उनको पढ़ाने का तरीका भी बहुत आसान था। चलिए, तो मैं अगर बोलूँगा कि ये सैमसंग का पीसीबी बोर्ड है आपके हाथ में, तो कोई भी मेरे को एक रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बताएं तो आप बता सकते हैं? बता सकता हूँ सर जी। तो मैं उम्र में सर कॉल भारी उठाना, ये 10 किलो उसका रजिस्टर जैसा आप देख सकते हैं। तो जिस दिन जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी का प्रैक्टिकल भी देते हैं? यस सर। और जब तक डन नहीं होता जब तक पीछे हटते हैं क्या? नहीं हटते, जब तक प्रैक्टिस करते ही रहते हैं हम। प्रैक्टिस करके रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको पहला दिन आज? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। चलिए ठीक है। बिहार से रहने वाला हूँ, मेरा पहला क्लास है, फर्स्ट दिन आज ICV रिवॉल्व किए, बहुत अच्छा आज का दिन रहा। अच्छा, आज आपकी क्या की क्लास हुई? अब आपने रजिस्टर पढ़ा, थर्मिस्टर पढ़ा जी, कैपेसिटर पढ़ा, ये सारे चीज़ समझ में आए आपको जी? अच्छा, आप एक हाई वैल्यू रजिस्टर चेक करके बताएंगे आप यहाँ जी? बता देंगे। बताइए। आपने ओम्स में डाला इसको जी? चेक कीजिए, दो बार गिरेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, 46 किलो ओम्स का हाई वैल्यू रजिस्टर है। मैं आपको बोलूँ, थर्मिस्टर हो, रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, बोर्ड में सारे चीज चेक कर पाएंगे आप? चलिए ठीक है, थैंक यू। नाम अमन गोस्वामी है, मैं MP से हूँ सर। आज हमारा IC का क्लास था और कंपोनेंट का क्लास था। आज हमें देव सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। सर जैसे पढ़ाते हैं हम कनेक्ट करते हैं, मतलब उनके बातों से जी। हमें सीधा समझ में आता है। अच्छा, तो आज हमारे बहुत सारी कंपोनेंट की क्लास हुई थी। आज हमें रजिस्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर ये सारे चीज़ पढ़े हैं आप जी सर। तो आप एक रजिस्टर चेक करके बताएंगे अभी आप? जी कर सकते हैं। बताइए। ये 11 के पास है, देख सकते हैं। मैं आपसे आयुष ये बताओ मेरे को कि इसके पहले ये नॉलेज था क्या आपको? नहीं था सर, इसके पहले ना हमने ICV रिवॉल्व नहीं करी थी सर, आज हमने पहली बार ICV रिवॉल्व करी और ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था सर। YouTube पे भी जी बताइए। सर मेरा नाम योगेश पड़ियार है, मैं MP में झाबुआ से हूँ। आज सर ने ICV बॉलिंग कराई प्रॉपर तरीके से, हम ICV बॉलिंग कर लेते हैं और कंपोनेंट के बारे में बताया, कैपेसिटर के बारे में, रजिस्टर के बारे में। आज आपकी कंपोनेंट 1 की क्लास थी जिसमें आपको रजिस्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर के प्रकार सारी चीज़ आपको पढ़ाया गया है ना? तो कैसा लगा आज का क्लास आपको? सर बहुत बढ़िया लगा। मैं आपसे पूछूं कि कोई सा भी बोर्ड आपको दूं कि हाँ एक थर्मिस्टर ढूंढ के बताइए, कितने टाइम लगेगा आपको थर्मिस्टर ढूंढने में? 2 मिनट में बता देंगे सर। पक्का? पक्का। एक रजिस्टर ढूंढ के बता सकेंगे आप? जी सर। बताइए, चेक करके बताइए एक रजिस्टर। मल्टीमीटर जा रही सेट कर दीजिए, ओम्स में सेट करना। हाँ, थोड़ा मल्टीमीटर दिखाइए सेट करके। हाँ जी, मल्टीमीटर आपका कौन सी रेंज में रहेगा? ओम्स में। ओम्स मोड में रहेगा जी। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम उस्मान अहमद है। कहाँ से हैं आप? UP से। UP से हो आप जी। अच्छा, आपकी आज का की क्लास हुई? कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट 1 की क्लास हुई आप जी, इसमें आपको रजिस्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के प्रकार ये सारे चीज़ आपको बताए गए। मैं आपको कोई सा भी बोर्ड दे दूँ, एक यूनिवर्सल, मैं आपसे पूछूं कि कितने जगह थर्मिस्टर लगा हुआ है, आप चेक करके बता सकते हैं? कॉन्फिडेंट है आपके पास? और चलिए ठीक है। जो आप सामने देख रहे हो हमारे साथ है 28 मई की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। भाई जोश है कि नहीं? यस सर। हाउ टू जोश? यस सर। फुल टू जोश? यस सर। तो आज जो हमारी क्लास थी, सबसे पहले मॉर्निंग में क्या क्लास थी आज हमारी? रिबोलिंग की क्लास थी। यस सर, रिबोलिंग। अच्छा, अब इसमें से मैक्सिमम जो 90% ये बताइए कि किसने पहली बार माइक्रोस्कोप पे काम करा? सबने पहली बार माइक्रोस्कोप पे? यस सर। सबने पहली बार? यस सर।
अब ये बताइए कि रिवोलिंग की क्लास में किस किस ने रिवोल करा, किस किस ने रिवोल करा, सबने किया, कोई तुक्के में करा क्या? कॉन्फिडेंस के साथ। सवेरे मॉर्निंग में क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी प्रदीप? नहीं आप तो 7 बजे आ गए थे, क्लास स्टार्ट हुआ 7:45 8 बजे 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई। यस सर। फिर कब तक चली? 11 बजे तक। यस सर। 11 बजे के बाद कौन आया आपके साथ? देव सर आए थे। सर देव सर आए थे, जिनको वीडियो में देखा था, जिनको देख के आप यहाँ जबलपुर आए ऐश्वर्याली गाँव में, उनके साथ आया? जी सर। तो क्लास का जो आपको मजा था वो कैसा आया आपको? क्या रोल था सर का? एनर्जी नॉलेज की बात करो, एनर्जी कभी लूज हुई क्या उनकी? ये बताइए मेरे को, जितने भी घंटे आपके साथ थे, 4-5 घंटे 6 घंटे आपके साथ थे, एनर्जी लूज हुई क्या? नहीं हुई। तो आपकी लूज हुई क्या? सवेरे से 7 बजे से बैठे हो और अभी कितने बज रहे हैं? 7। कितने घंटे हुए? 12 घंटे। तो एशिया टेलीकॉम 12 घंटे बोलता है तो पढ़ाता है 12 घंटे? पढ़ाता है सर, पढ़ाता है। स्टूडेंट से पूछा कि मैंने क्या जो आज पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल सबसे डन हुआ कि नहीं हुआ? सबसे डन हुआ। आपने बोला उसके बाद ही मैंने क्लास ओवर करी कि नहीं करी? उसके बाद ही क्लास ओवर करी। तो शुरुआत में करूंगा प्रदीप से, आपको आज कंपोनेंट 1 की क्लास देव सर के साथ कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने ही पढ़ाया और देव सर ने ही पढ़ाया सर। चलिए कैसा लगा आपको? सर बहुत बेस्ट, बेस्ट लगा। और पूरा प्रैक्टिकल का टाइम मिला? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। सुरेश पात्रकर। सुरेश दिल से बताओ, एशिया टेलीकॉम में पहला दिन अच्छा लगा? एकदम बढ़िया। तो जो एशिया टेलीकॉम बोलता है वो करता है? पक्का करता है। पक्का करता है। देव सर के साथ क्लास थी आपकी? अच्छा लगा उनके साथ। अच्छा, और अभी जो आपकी क्लास थी उसमें पूरा प्रैक्टिकल का टाइम मिला आपको? पूरा मिला, पूरा पूरा काम डन किया आपने। अगर मैं बोलूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के 5 मिनट में बता दो, पीसी में ढूंढ सकते हो आराम से? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। जी एमडी आसिफ। एमडी आसिफ जी। आसिफ आज से पहले कभी भी रिवोल किया था क्या? नहीं सर, कभी नहीं किया था। कभी रिवोल नहीं किया? फर्स्ट बार में ही हो गया सर। फर्स्ट बार में ही हो गया। और दूसरी बात, कंपोनेंट, कंपोनेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी आपकी, कंपोनेंट की? यस सर। तो वो कंपोनेंट डन हुई कि नहीं हुआ? यस सर डन हुई। बात करें सीरीज की, पैरेलल की, कैपेसिटर चेक करने की, कैपेसिटर का किस काम के लिए लगाया है, क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालना होता है, मल्टीमीटर को रीड-राइट कैसे करना होता है, पूरा बता देंगे। और अभी लाइव भी करके बताया। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दिन था, पहले दिन के लिए क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए, स्पेशली देव सर के लिए जो उनकी कंपोनेंट 1 की क्लास थी? क्या नॉलेज है सर को? बहुत ही हाई लेवल का है सर। तो वो हाई लेवल का नॉलेज हमको मिल रहा है? यस सर मिल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी विशाल कहाँ से हो भाई? गुजरात से। गुजरात से जबलपुर चाहते तो गुजरात में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, वहाँ जा सकते थे। क्या रीजन था आपका जबलपुर आने का और देव सर के साथ पढ़ने का? मैंने वीडियो देखा था, मेरे को लगा कि इधर जो नॉलेज मिल रही कंपोनेंट की वो शायद नहीं मिलेगी, और इधर आके पता लगा भी और फील भी किया कि जो है वो एक्सेलेंस लेवल की नॉलेज है, एक्सेलेंस लेवल की नॉलेज तो नहीं मिल सकती है। अगर यही क्लास, अगर जो जिनको आप पीछे देख रहे हैं मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर के अलावा, अगर यही क्लास अगर कोई दूसरा देता तो शायद इस तरह के पढ़ा नहीं सकता, जो हम इजी से माइंड गेट अप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, जो पिकअप किया हमने इजी से वो नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल का पर्याप्त टाइम मिला आपको? यस पूरा था। पहली क्लास थी, क्या लेवल था पढ़ाने का? काफी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हो, एक अपना एक्सपीरियंस लेने आए थे आप यहाँ पर, तो ये बताइए मेरे को कि क्या नॉलेज मिला आपको? बहुत सारा नॉलेज मिला सर, जो मैं कुछ नहीं जानता था रजिस्टर और पैरेलल सीरीज के बारे में। जी उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान मिला मेरे इधर। अच्छा, और लाइव आपने भी जस्ट आपकी जो हुआ था उसे लाइव करके भी बताया आपने? तो ऐसे टेलीकॉम, ये तो बात आपकी हो गई, ये जितने भी बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको, ऐसा कोई बच्चा जो काम नहीं कर पा रहा? नहीं सर, सब कर पा रहे हैं। सब कर पा रहे हैं? यस सर। तो वो नॉलेज, वो मेहनत करता है ऐसे टेलीकॉम या फिर स्टूडेंट के साथ? यस। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर मेरा नाम चेतन है, मैं राजस्थान से हूँ। जी चेतन, देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास क्या बोलेंगे? सर बहुत अच्छी क्लास रही और सारी नॉलेज हमें ली कंपोनेंट्स के बारे में। जी बहुत अच्छी क्लास। अच्छा, तो अगर यही क्लास अगर कोई दूसरे तीसरे टीचर से या तीसरे इंस्टीट्यूट से अगर मिलती तो क्या आप अभी नॉलेज इतना लेके बैठते? सर बहुत डीपली एक एक चीज के बारे में समझाया
और कैसे चेक करना है, कैसे ट्रेस करना है, कैसे सर्च करना है पीसीबी में, पूरा हमें अच्छे से नॉलेज दी। चलिए ठीक है, और अभी ये बताइए प्रैक्टिकल का पर्याप्त समय मिला आपको? प्रैक्टिकल का सर सुबह भी अच्छे से प्रैक्टिकल किया, रिवॉल्विंग किए, एक एक आईसी को पांच पांच छह छह बार रिवॉल्व किए और अब पूरा कंपोनेंट का पूरा प्रैक्टिकल किया, सब समझ में आया। तो ये सिस्टम एशिया टेलीकॉम का आपको देव सर का कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, टीचिंग का जो सोच के आए थे देख वही हमको मिल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट है, मेरा नाम गुलशेर है। हाँ जी गुलशेर, ये बताइए आज आपकी कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ क्या एक्सपीरियंस, जिनको देख के आप यहाँ पे आए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। पढ़ाने का तरीका यूनिक है तो सर का तो यूनिक तरीका है, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए सर। समझ पाए? एक एक चीज है, एक एक चीज क्लियर है, लाइव प्रैक्टिकल करके भी बताया आपने, करके दिखा देंगे करके भी नहीं, आपने दिखाया भी है ना, थोड़ी देर पहले दिखाया आपने। नहीं आपको बस वो नहीं कर रहा हूँ, शक नहीं कर रहा हूँ, है ना, कॉन्फिडेंस है आप में और आप कर रहे हैं काम और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जी सर। तो ये बताइए कि जो सोच लेके आए थे, आज पहला दिन है, पहले दिन ही आपसे पूछ रहा हूँ, जो सोच लेके आए थे वो सोच का उससे बेहतर ही मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा। चलिए ठीक है, और जी शमशाद आलम मेरा नाम है, झारखंड से। जी शमशाद आलम, एशिया टेलीकॉम जबलपुर में पहला दिन देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास वन की क्लास, तो कंपोनेंट वन अभी खत्म हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? जी सर अभी जब तक है तब तक होगा सर। जब तक है तब तक होगा जी सर। अच्छा ये बताइए जो आज का टास्क था, जो आपको आपको कंपोनेंट वन की क्लास बनी, तो उसको पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल करके बैठे कि नहीं आप? जी सर पूरा पूरा, आपने लाइव भी करके बताया, अभी आप कैमरे के सामने थे लाइव करके बताया आपने, तो बताइए मेरे को कि प्रैक्टिकल का पर्याप्त तो समय मिलता है कि नहीं मिलता? जी सर पूरा समय मिलता है। पूरा समय मिलता है जी सर। चलिए ठीक है, और मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी मैं चल रहा हूँ। हेलो, हाँ ऊपर चालू होता है, सही कर, हो गया बंद हो गया? हेलो, चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए। नदीम उत्तर प्रदेश से। नदीम एशिया टेलीकॉम में पहला दिन देव सर को देख के आए थे और देव सर के साथ ही आज आपकी क्लास थी। यस सर। तो बताइए मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा देव सर के साथ आपका? सर बहुत अच्छा, इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट है ये और देवव्रतन सर भी बहुत हाई लेवल के हैं जी, तो पढ़ाई का तरीका भी सर बहुत अच्छा लगा मुझे जी। और अभी एंड टू एंड की बात करूं मैं कि अभी आपको प्रैक्टिकल का थोड़ा टाइम मिला? यस सर। आप 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए? यस सर। तो टाइम हो रहा है 7:30? यस सर। तो टाइम कम तो नहीं मिला? नहीं नहीं सर, टाइम पूरा टाइम है। वही प्रैक्टिकल कराया जो पढ़ाया सर? यस सर। अच्छा जो सर ने बताया उससे बाहर गया क्या प्रैक्टिकल? नहीं नहीं सर, वही बताया वही प्रैक्टिकल हमने किया, वही प्रैक्टिकल किया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी जाकिर बताइए, एशिया टेलीकॉम में क्या सोच लेके आए थे पहला दिन एशिया टेलीकॉम में आपका, बताइए। डीप नॉलेज के सोच से आया था और मुझे लग रहा है वो मिल रहा है मुझे। अच्छा और दूसरी बात ये बताइए मेरे को कि आज आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, जो कंपोनेंट की पहचान आज मिली है, इसके पहले ये चीज थी कि आपके पास थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं थी लेकिन अब डीपली मिली है? डीपली मिली है, तो वो थोड़े बहुत नॉलेज से काम चल रहा था क्या? नहीं थोड़ा बहुत नॉलेज से प्रॉपर काम नहीं चल रहा। अब जो नॉलेज मिला है वो डन वाला मिला है कि नहीं मिला है? श्योर, प्रैक्टिकल का पूरा टाइम मिलता है, पूरा टाइम मिलता है। तो अगर मैं एक शब्द में पूछना चाहूंगा आपसे कि देव सर के बारे में आप टीचिंग का के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टीचिंग का तरीका बहुत अलग है, उनका बहुत तरीका सही है और मुझे सिर्फ कंपोनेंट के बारे में सीख रहा हूँ, टीचिंग कैसे कर रहा है ये भी सीख रहा हूँ उनसे कि टीचिंग पढ़ाते हैं कैसा, इन केस मुझे पढ़ाना पड़ता है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम उस्मान है, यूपी से। उस्मान एशिया टेलीकॉम में पहला दिन देव सर को आप देख के आए, तो देव सर को जो देख के आया, जो एशिया टेलीकॉम को देख के आया, तो वो चीज मिली कि नहीं? उससे बेहतर मिला, उससे बेहतर मिला, सौ से बेहतर मिला, मिला। मतलब अगर आज बात करें सवेरे का टास्क का, तो आपने पूरा करा है टास्क? पूरा करा। उसके बाद शाम का जो टास्क दोपहर में क्लास हुई और रात तक अभी चली है, तो वो टास्क पूरा हुआ कि नहीं? पूरा किया। वो भी पूरा हुआ, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो उस्मान कितने समय से इस फील्ड में काम करते थे? पहले किया है, पहले छूट गया बीच में, छूटा हुआ था काम। अच्छा, जो भी पहले किया है वो नॉलेज, और अब खाली एक दिन की नॉलेज की बात करूं? नहीं नहीं, ये अलग ही लेवल। एक दिन की नॉलेज की बात करूं आप तो क्या है, ये अलग ही लेवल है, अलग लेवल है। चलिए थैंक यू। सर मेरा नाम वैभव चौहान है, मैं राजस्थान से। हां जी, तो वैभव आज पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, बहुत सोच के आए हैं आप, समझ के आए हैं, पेरेंट्स भी आपको यहाँ छोड़ के गए, तो जिस भरोसे से पेरेंट्स यहाँ छोड़ के गए वो भरोसा आपको एशिया टेलीकॉम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं लाइव पूछ रहा हूँ आपसे,
है ना, लाइव, ये लाइव मोबाइल चल रहा है, कोई एडिटिंग नहीं है इसके अंदर, कोई भी एडिटिंग नहीं है, आप जो खुले दिल से हो बोल सकते हो। क्या सीखने को मिला आज आपको, क्या नॉलेज मिला? सर आज हमारी देवर सर के साथ सर पहली क्लास थी और आज सर हमारी पहली कंपोनेंट की क्लास थी जी। तो सर इतना डीप नॉलेज सर आज से पहले मुझे कभी नहीं मिला, और सर मैं तो फ्रेशर हूँ, और देव सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो फ्रेशर को भी एक जैसे समझ में आएगा और जो नॉलेज फुल है उसको भी एक जैसे समझ में आएगा। बराबर है, मतलब सबको साथ लेके चलते हैं बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे बंदे फ्रेशर भी बैठे हैं और 10 साल काम करने वाले भी बैठे हैं। बिल्कुल सर, तो दोनों इक्वल हो गए आज। बिल्कुल सर, दोनों इक्वल हो गए। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे आने का मतलब है कि सर यहाँ पे आओ तो अपना पूरा मन खाली करके आओ, क्योंकि देव सर। मेरा नाम योगेश परियार है, मैं एमपी में झाबुआ से हूँ जी। तो योगेश ये बताइए मेरे को, एशिया टेलीकॉम में पहला दिन बहुत कुछ सोच के आए थे एशिया टेलीकॉम के बारे में, तो क्या मिला आज आपको? सर मैं देवरत्न सर बहुत डीप में नॉलेज दिया यही सोच कर आया था, और आज मेरे को वो सब कुछ मिला है, बहुत डीपली नॉलेज देते सर। वो नॉलेज मिला कि नहीं मिला जी सर? जिसकी तलाश थी आपको, जिसकी तलाश थी आपको वो नॉलेज मिला? जिसकी तलाश थी वो सब मिला सर। अच्छा, उससे नॉलेज बहुत अच्छा दिया, समझ में आ रही बात है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, सर के पास नॉलेज भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा दिया। आपने किया कि नहीं किया? जी सर मैंने भी किया। आपने भी किया? जी सर। आपने पूरी पीसीबी में से, मैं बोलूं कि 20 मिनट में आप, 10 मिनट में आप थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो सारी पीसीबी में से जी, तो बता सकते हो? जी सर बता, वो तरीका है तुम्हारे पास? जी सर बता सकते हैं। मैंने आज आपसे हाई वैल्यू का रजिस्टर, लो वैल्यू का रजिस्टर, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, रीडिंग क्या होती है ना, जीआर कैसे निकालना, सारा सब कुछ बताया, वो आपसे डन हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। ये अपना मोहम्मद मिन्नतुल्ला। मोहम्मद मिन्नतुल्ला, तो मिन्नतुल्ला ये बताओ मेरे को, एशिया टेलीकॉम में जो सोच क्या है वो चीज मिल रही कि नहीं मिल रही? जी मिल रही है सर। ऐसा तो नहीं दो चार घंटे पढ़ाते हैं और फिर नमस्ते कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसे कोई यहाँ पे टॉपिक छेड़ते हैं, बातचीत करते हैं, गलत दूसरी बातचीत करते हैं? नो सर, ऐसे कोई बात नहीं। खाना खाने की छुट्टी सवेरे कितनी देर की दी थी? यस सर। कितनी देर की दी थी? 10 मिनट। 10 मिनट के बाद क्या हो गया, चलो क्लास। यस ठीक है, थैंक यू। तो नीम ये बताइए मेरे को कि एशिया टेलीकॉम में पहला दिन और देव सर को आप लेके आए थे, देव सर के साथ आपकी क्लास थी, हाउ टू फील? सर देव सर को जैसा सुना था वैसे पाया। जैसा सुना था जी सर वैसे पाया। वैसे ही पाया जी सर। और प्रैक्टिकल्स के टाइम मिल रहे हैं आपको पूरा? मतलब जो सर पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता? होता है, होता है। पूरा होता है डन? पूरा होता है। आप अपने हाथों से करते हो? करते हैं। अभी लाइव आपसे मैंने करवाया भी था, आपने किया भी सही जी सर, तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त लग रहा है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। तो मुकेश ये बताइए मेरे को, एशिया टेलीकॉम में पहला दिन जो सोच के आए थे वो चीज मिला कि नहीं मिला? जो सोच के आया था उससे कुछ ज्यादा ही मिला है। उससे ज्यादा ही मिला है जी। तो ये बताइए मेरे को, सारे टास्क आपने आज कंप्लीट किए हैं? हाँ जी, जितने भी मेरे को मिले थे मैंने सब कंप्लीट किए हैं। तो ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे जिसको टास्क मिला और उसने किया नहीं हो, डन नहीं किया हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको टास्क मिला हो और वो पूरा ना किया हो। अच्छा, तो अभी मैं आपसे बोलूं कि अगर दुनिया की कोई सी भी आप आईसी को रिकॉर्डिंग कर लो तो करके दे सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये पूछूं मैं, पीसीबी में जो कंपोनेंट 1 की क्लास थी, आपको 1 की क्लास के जो कंपोनेंट थे बताए गए हैं आपको, कंपोनेंट 2 की क्लास कर ले हैं, तो 50% कंपोनेंट आप ढूंढ के ट्रेस कर सकते कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। उसकी वैल्यू निकाल सकते कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जीआर क्या होता है ये मालूम है आपको? सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है ये मालूम है? जी। मेरा नाम साहिल अंसारी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। साहिल आज मेरा कंपोनेंट का फर्स्ट क्लास था, आज हमने बहुत अच्छा सीखा और देव सर ने जैसा सिखाया वैसा कोई नहीं सिखा। बराबर। अब अच्छा ये बताइए जो देव सर ने सिखाया उसका प्रैक्टिकल पूरा मिला कि नहीं मिला? जी सर पूरा प्रैक्टिकल मिला, सुबह में भी हमने किया, शाम में भी कंपोनेंट की क्लास का प्रैक्टिकल भी किया। तो अभी कोई चीज आपकी पेंडिंग है क्या? अगर मैं बोलूं थर्मिस्टर, आप 5 मिनट में थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो साहिल, तो बता सकते हो? सर पूरी पीसीबी के थर्मिस्टर ढूंढ के बता दूं। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस है आपको? यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट। झारखंड से। हाँ जी रवि, आज मेरी फर्स्ट डे की कंपोनेंट क्लास थी जी देव सर के साथ जी। तो जितना सोचा था मैंने तो उससे कहीं ज्यादा ही मिल रहा है। आयुष बिहार से। आयुष सबसे पहले बताओ मुझे कि जोश है कि नहीं है? पूरा जोश है सर। पूरा जोश है? तो जोश के बिना कुछ काम हो सकता है क्या? नहीं सर। जोश के बिना कुछ काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। I will do it. मैं कर दूंगा। Yes,
ये नारा होता है स्टूडेंट नेशन के नाम पे। आप सवेरे 12 घंटे 13 घंटे से बैठे हो, उसके बाद भी इतना फ्रेश क्यों नजर आ रहे हो? इतना फ्रेश क्यों नजर आ रहे हो? जैसे मैंने देव सर के देख के आया था यूट्यूब से, उससे ज्यादा देव सर यहाँ सिखाते हैं और बेस्ट सिखाते हैं। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट ईस्टर्न टेलीकॉम है सर। और अब ये बताइए मेरे को कि जो देव सर ने पढ़ाया, देव सर इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक सो, है ना? तो बाकी देव सर तो बेस्ट है, पर बाकी जो देव सर ने आपको दिया उसको अभी 5 घंटे के लिए आप सर मेरे पास बिठा के गए थे, तो वो भुनाया कि नहीं भुनाया? पूरा बनाया सर, पूरा भुनाया उसको, जो नॉलेज आया था पूरा प्रैक्टिकल करा आपने? हाँ जी सर। अभी इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं, जो एशिया टेलीकॉम का तरीका पढ़ाने बोलिए, आप अपने अपने तरीके में बोलिए। सर जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे यहाँ पे एशिया टेलीकॉम पे मिलेगा बोल के, उसे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मिला है मुझे यहाँ पे, और जो सोच के आए थे उसे अधिक गुना, मतलब जो ज्ञान है वो प्राप्त हुए यहाँ पे। और देव सर के बारे में क्या ही बोले, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया, दिस इंडस्ट्री है ना? यस सर। तो सर का नॉलेज बहुत अच्छा है, आई एग्री विद यू, बट बाकी आपने यहाँ बैठ के सर, तो सर ने पढ़ाया उसका पूरा प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? किया सर। उसके बाद आज मेरा पहली बार, मतलब माइक्रोसॉफ्ट और SMD से रिबॉलिंग किया जी। उसके बाद इट वाज मेरा पहली बार था आज, मतलब आज पहली बार फर्स्ट टाइम में मैंने कर दिया, मतलब फर्स्ट टाइम में। तो अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं यहाँ पर। यस सर। तो जो आज किया है ये पूरे 30 दिन। हमारे साथ स्टूडेंट है नीलेश पटेल, मुंबई से हूँ सर। नीलेश बताइए मुझे इस फील्ड में कब से हो? 5-6 साल हो गया सर। 5-6 साल हो गए। अब 5-6 साल का नॉलेज और एक दिन का नॉलेज, आज का नॉलेज तो बहुत मस्त था सर, मस्त था, बढ़िया था एकदम। अच्छा, और देव सर के साथ जिनको देख के आप आए हो, जिनके नाम से आए हो, जो फीस डाली है आपने देव सर के नाम से डाली है, उनके साथ पढ़ने में क्या एक्सपीरियंस रहा है एक दिन का आपका? अच्छा, देव सर का एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त है, और उनके साथ प्रैक्टिकल करा रहे हमारे MD सर, उनका भी नॉलेज बहुत जबरदस्त है, और जिनको नहीं जम रहा है उनको भी पास बुला के हाथ पकड़ के करवा रहे। जरूर, ट्रेनर का काम ही यही है, पढ़ने आए बच्चे मेरे पास। जी सर। है ना, हर बच्चा क्या नहीं होता, टॉपर नहीं होता, समझ में आ रहा? जी सर। बाकी टॉपर बनाया जा सकता है, वो बनाने के लिए एशिया टेलीकॉम है उसके। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू। स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल से, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, अपनी जुबानी अपनी भाषा में ये बोलेंगे आज के दिन उनको क्या मिला। हमें ऐसे थी बर्धमान से गए वेस्ट बंगाल, तो मोबाइल रहते प्रथम আজকে প্রথম দিন কাজ করলাম, রিভলভিং করেছি, প্লাস আরো যত রকম কাজ ছিল, যেমন রেজিস্ট্যান্স চেক করা, ক্যাপাসিটার চেক করা, আরো নানা রকম কাজ করা হয়েছে। তো এখানে কাজ সব থেকে বেস্ট, স্যারদের বোঝানো খুব সুন্দর, কোনো জিনিস আটকে গেলে সেখানে স্যাররা যেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। চলিয়ে, ইনসে কিছু নি বলুঙ্গা, ইয়ে জো ভি বলেঙ্গে আপনি জুবানি বলেঙ্গে আর আপনে হিসাব সে বলেঙ্গে। आज पहिला दिवस होता क्लासचा, आज सकाळी आम्हाला बोलवलं गेलं होतं एक 8 वाजता, म्हणजे 7:45 बोलवलं होतं, 8 वाजता क्लास आहे म्हणजे आपला। त्याच्यानंतर आम्ही एक सकाळी उठल्यानंतर फ्रेश होऊन लवकरात लवकर आम्ही आलेलो आहे समजून क्लासच्या अगोदर। सकाळी आम्हाला आल्याबरोबर पहिल्यांदा जे आपलं शेड्यूल जसं ठरलं होतं त्याप्रमाणे त्यांनी सुरू केलं। सकाळी रिबॉलिंग घेतली, रिबॉलिंग मध्ये आम्हाला रिबॉलिंग सांगितली प्रथमतः कशी करायची, त्याच्यानंतर रिबॉलिंग प्रत्येकाकडून करून घेतली, आणि 11:00 टायमिंगला देवेंद्रराव सरांनी क्लास घ्यायला सुरुवात केली। त्यांच्या नॉलेजचं काय आपण बोलू शकत नाही, त्यांना बोलण्यासाठी आपल्याकडे शब्द नाही आहेत, तर त्यांचं नॉलेज खूप मोठं आहे, त्यांना बोलणं म्हणजे आपले शब्द कमी आहेत त्यांना बोलणे। आप अगर जो भी घर से बहुत सारे बंदे डाउट करते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप घर से जो सोच लेकर आते हो कि हमको ये लेकर आना है तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर, मिलेगा वो। आप बेफिक्र आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ से जितना लेके जा सकते हो उतना आप खुद लेके जा सकते हो। अभी लाइव हो तुम, सारी चीजें लाइव बोल रहे हैं और ये सामने कैमरे के सामने हो, लाइव हो जी सर। आज आपको जो मिला है क्या लेवल का मिला है आपको? सर आज हमको उस लेवल का मिला कि सर हम इतने टाइम से जो कर रहे हैं, अगर आज आज के दिन हमको जितना नॉलेज मिलता है इतना मिलता है, तो हम बहुत सारे हैंडसेट बना चुके होते सर। बराबर जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी।
मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं झारखंड से हूँ। हाँ जी मुकेश, बताइए आप अपनी जुबानी बोलिए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। सर मैं तो बहुत दिनों से काम भी कर रहा था बट अधूरी जानकारी थी सर, और जब सर का वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा तो एक सपना मन में लिए हुए थे कि सर के पास जाना है और इनसे हमें कुछ सीखना है, बट यहाँ पहुँचे तो एक अजब सी एनर्जी आई सर मन में, और अपने आप में बहुत आज गर्व महसूस भी कर रहे हैं कि सर का क्लास जब मिली हमें तो बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई, और आप जी के साथ में बैठ करके आई सी रिबॉलिंग के भी बारे में आपने आज बताया क्लास में, और MMC फर्स्ट टाइम हम लोग रिबॉल किए, कंपोनेंट्स की जानकारी मिली हमें, रेजिडेंस ढूंढना कितने होम्स की है, थर्मिस्टर के बारे में जानकारी मिली, कैपेसिटर के बारे में जानकारी मिली, ये सब सारी जानकारियाँ हमें आप सबों से मिली, इसके लिए मैं तहे दिल से इस टेलीकॉम को